तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो भाई मुझे लिटरली सोच कर भी बुरा लग रहा कि भाई डीन एम्ब्रोस मीठा है। मुझे नहीं पता भाई ये कौन से कंपनी के अंदर अभी करंट में हरकत कर रहे हैं, पर भाई आप लोग सामने देख सकते हो वीडियो के अंदर। लिटरली मैं जब वीडियो देखा तो भाई मैं 2 मिनट तक इसमें सोचते रहे क्या सच में डीन एम्ब्रोस या फिर कोई और रेसलर। वैसे ये कारनामा AEW कंपनी के अंदर नहीं किया, बहुत सारे और भी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर ये करंट टाइम में काम कर, लेकिन सच में यार देखने में बहुत ज्यादा मुझे बुरा फील हो रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, सच में समझ में नहीं आ रहा भाई, लड़का को लड़का से प्यार हो रहा है, लड़की को लड़की से प्यार हो रहा है। अभी करंट टाइम हमारे डॉम है जो की मतलब करंट टाइम एक मतलब अच्छा यहाँ पर लव एंगल दिखाया जा रहा है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई आप लोग जड़े फोटो देखो भाई, ये ब्रॉक लेसनर का है उनकी बेटी के साथ फोटो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई उनकी बेटी का है तो भाई आप लोग पीछे चोटी वाली उनकी बेटी ही है। ब्रॉक लेसनर करंट टाइम अपनी बेटी को ट्रेन कर रहे हैं, मैं आपको कई बार इस बात को बता चुका हूँ। उसी का साइड से फोटो निकल कर सामने है, कोई फैन यहाँ पर फोटो खिंचाया होगा। ब्रॉक लेसनर भाई आज भी गबरू जवान है भाई, आज भी पलंग तोड़ देगा। वैसे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर अगर आप लोग सोच रहे हो तो भाई रेसलिंग ब्लॉग ने फिर से इसके ऊपर यही जवाब दिया कि उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। भाई ब्रॉक लेसनर जब भी WWE कंपनी के अंदर वापस आएंगे एज ए सरप्राइज रिटर्न वापस आने वाले हैं। बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो भाई ब्लड लाइन 2.0 अभी तक आप लोग देखो, ब्लड लाइन 3.0 आप लोग मतलब देखो, इन लोग इतना बच्चा पैदा किए कि भाई लिटरली 4-5 बच्चा अभी आना बाकी है WWE कंपनी के। अभी देखो रिकी सी का एक और बेटा है ठामिको फाटू शायद नाम है भाई, बच्चा ये पैदा करते हैं नाम लेने में प्रॉब्लम मुझे होता है। तो ये जो भी इनका नाम है ब्लाबला, इनका भाई बहुत ही जल्द आपको WWE कंपनी के अंदर शायद से आपको डेब्यू देखने को मिल सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, मेरे ख्याल से शायद से रिकी सी भाई 7 बच्चे हैं, तो भाई आपको 7 बच्चे शायद से देखने को मिल जाएंगे फ्यूचर के अंदर। अभी शायद से 3 है, जे उसो हो गए, जिमी उसो हो गए, सोलो सिकोवा हो गए। ऐसे जो भी हो भाई रिकी सी इतना सारा बच्चा पैदा करके भाई कुछ ना कुछ बढ़िया काम किया। बात करते हैं सोलो सिकोवा के बारे में। तो भाई सोलो सिकोवा ने आज के स्मैकडाउन के ऊपर कॉल आउट किया था रोमन रेंज को कि रोमन रेंज में दम है तो आकर मेरे साथ फाइट कर ले। जो अब रोमन रेंज में दम नहीं बचा इसलिए रोमन रेंज अब ट्राइबल चीफ कहलाने लायक नहीं, और इसलिए मैं अब ट्राइबल चीफ हूँ ब्लड लाइन का, और सारे लोग अब मुझे ट्राइबल चीफ मतलब बोलना शुरू कर दो, मैं हूँ रियल ट्राइबल चीफ। भाई सोलो सिकोवा ने मैसेज जब स्मैकडाउन को ऊपर दिया तो मैं आपको फिर से बता दूं रोमन रेंज का थोड़ा सा चांसेस है मनी इन द बैंक के अंदर वापस आने। वैसे भाई रोमन रेंज वापस कैसे आने वाला इसका भी भाई एक नया स्टोरी निकल चुका है, ऐसा स्टोरी है भाई लिटरली आपको सुनकर आपका कान खड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉल हेवन गाय हैं। रिसेंट टाइम में सीएम पंक भी ब्लडलाइन के स्टोरी लाइन के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए थे, आप सारे लोगों ने देखा भी था। तो मे बी भाई जब पॉल हेवन जब वापस आए तो भाई अपने साथ दो दो लोगों को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, सीएम पंक और रोमन रेंज दोनों को। अभी करंट टाइम आपको भाई ये सुनने में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, पर भाई शायद से ये चीज हो भी सकता है क्योंकि भाई इससे भाई सोलो सिको और भी ज्यादा ग्रेट रेसलर सबके सामने मतलब बनकर निकले। भाई करंट टाइम तो भाई सीएम पंक का रिवाइवल भी करंट टाइम ड्रू मैकइंटायर के साथ। हाँ भाई ये जो रिपोर्ट है भाई इसको आपको काफी सीरियस लेना होगा क्योंकि भाई बहुत ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से निकलकर सामने आया। नेक्स्ट बात करते हैं DIY के बारे में। तो भाई आप लोग देख सकते हैं भाई 2017 के अंदर हमें बिट्रेल हमें DIY का देखने को मिला और 2024 में जाकर ये दोनों टैग टीम चैंपियन बने, मतलब भाई 7 साल बाद बने। तो ये काफी खुशी का माहौल है भाई इनके लिए। मतलब Triple H ने भाई रिसेंट में इसके ऊपर अपना फोटो को शेयर किया इनके साथ। मैं आपको पहले से भाई भविष्यवाणी कर देता हूं, इनके हाथ से जब भी टाइटल जाएगा ब्लड लाइन के पास टाइटल आने वाला, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं अभी से। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल हेवन के बारे में। तो भाई आप लोग ये दोनों फोटो देखो, पॉल हेवन जब रोमन रेंज के साथ रहते तो पॉल हेवन का बाल जो रहता है वो काला हो जाता है, जब पॉल हेवन अकेले रहते तो पॉल हेवन अपना बाल को कलर करते ही नहीं। आप लोग समझो पॉल हेवन मैसेज क्या देना चाहते हैं कि जब रोमन रेंज है तभी पॉल हेवन है, और जब रोमन रेंज पॉल हेवन एक साथ रहते तो पॉल हेवन बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। तो भाई केविन ओवंस ने जो स्मैकडाउन के ऊपर स्टोरी सुनाया था अपनी माँ का, वो रियल स्टोरी है भाई सच में। भाई केविन ओवंस की जो माँ जो है सच में भाई पिछले 4 दिन से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है करंट टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई मेरे ख्याल से भाई रैंडी ऑर्टन पलटू राम बनने वाला इस बार का मनी इन द बैंक के अंदर, क्योंकि भाई मैंने देखा नहीं था, पर भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें फिर से रैंडी ऑर्टन का निगाह भाई कोडी रोज के टाइटल की तरफ जाते हुए दिखा था। और साथ ही साथ भाई अभी करंट टाइम में कुछ न्यूज चैनल वाला का भी यही मानना है कि शायद से रैंडी ऑर्टन अपना हिल्टन कर सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर। तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ भाई ये चीज प्रोबेबली हो सकता है मनी इन द बैंक के अंदर। वैसे भाई कल का जो मनी इन द बैंक होने वाला उसके अंदर भाई सारे लोग आपको व्हाइट टी शर्ट में आपको शायद से देखने को मिल सकता है क्योंकि डब्ल्यू वाले स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की है। मुझे नहीं पता भाई इसके पीछे का क्या रीजन है, पर हाँ सबको बोला गया कि सब लोग व्हाइट कपड़ा पहन कर आए मनी इन द बैंक के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक के बारे में। तो भाई रॉक ने रिसेंट टाइम इस बात को बोला कि उनका जो फाइनल बॉस वाला जो करेक्टर था पूरे रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट हील करेक्टर, और मेरे ख्याल से भाई ये चीज रॉक भाई एक बार नहीं क्लेम किया, मेरे ख्याल से बहुत बार वो कर चुके हैं। मैं सबसे ग्रेटेस्ट भाई इसको अभी भी नहीं मानूंगा भाई। रैंडी ऑर्टन का करेक्टर हो गया, रिक फ्लेयर का करेक्टर हो गया, हल्क होगन का करेक्टर हो गया, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का करेक्टर हो गया, वो सबका भाई हील करेक्टर मेरे ख्याल से इनसे बहुत ज्यादा बड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं मनी इन द बैंक के कुछ ऐसे रेसलर के बारे में जिनका भाई करंट है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करने का सबसे कम चांसेस है। आप लोग यहां पर 3 रेसलर देख सकते हो, कार्मेलो हाइस हो गया, योशिकाई हो गया, अंद्रादे हो गया। तो ये तीनों रेसलर का करंट है सबसे कम चांसेस है। ऑब्वियस सी बात है भाई योशिकाई पिछले साल ने विन किए तो डब्ल्यू वाले फिर से विन नहीं करवाए। अगर हम लोग कार्मेलो हाइस साथ ही अंद्रादे का बात करें तो भाई ये सब अभी न्यू रेसलर है, उतना अभी मतलब ऑडियंस के बीच में पॉपुलर नहीं हुए। नेक्स्ट बात करते हैं रिको से के बारे में। तो भाई रिको से भाई अब 200% कंफर्म आप लोग मान सकते हो कि भाई AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले बहुत ही, क्योंकि रिसेंट में भाई बहुत सारे ट्रस्टेड न्यूज चैनल वाले इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिस स्टेटस के बारे में। तो भाई मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं ट्रिस स्टेटस आने वाली कल के मनी इन द बैंक है, डब्ल्यू वाले पहले से इनको एज ए होस्ट पहले से एडवर्टाइज कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मीज के बारे में। तो भाई आप लोग देख सकते हो भाई मीज भाई
कनाडा के अंदर शायद से भाई शो वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं। मत करते हैं मनी इन द बैंक के विनर के बारे में, तो भाई कौन सा रेसलर का कितना परसेंट जीतने का चांसेस है आप लोग सारे लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो भाई मेंस मनी इन द बैंक विनर के अंदर भाई करेंट में ड्रू मैकइंटायर का 90% चांसेस है विन करने। अगर हम लोग वुमेन्स डिवीजन का बात करें तो भाई वुमेन्स डिवीजन के अंदर करेंट में टिफैनी का सबसे हाई चांसेस है जिनका करेंट है 50% चांसेस। करेंट में भाई ड्रू मैकइंटायर को लेकर सबसे ज्यादा लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं कुछ अपने तरफ से यहाँ पर ऐड करके नहीं बता रहा, जो भी है मनी इन द बैंक के अंदर। पर यही आपको चार रेसलर में से कोई रेसलर दो आपको विनर बनते हुए आपको दिखने वाले, ये चीज आप लोग 200% कंफर्म आप लोग मान ही लो। नेक्स्ट बात करते हैं शार्लट फ्लेयर के बारे में, तो भाई शार्लट फ्लेयर भाई कितना कमाल का अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके आप लोग सारे लोग फोटो के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में, तो भाई बैकी लिंच रिसेंट टाइम इस बात को लेकर वो जो बुक लिखी है 2024 के अंदर, ये बुक पूरे साल का सबसे बेस्ट बुक है। मैं तो भाई किताब से दूर रहता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो भाई आप लोग जाकर पढ़ भी सकते। नेक्स्ट बात करते हैं नियोमी के बारे में, तो भाई नियोमी अपना ड्रेस बदलते रहते हैं, आप लोग करेंट टाइम इनका ड्रेस का फोटो देख सकते। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेसन वॉलर के बारे में, तो भाई ग्रेसन वॉलर रिसेंट टाइम भाई बेट लगा है टिफैनी को। ग्रेसन वॉलर इस बात को बोले कि करेंट टाइम टिफैनी विन करने वाली इस बार का मनी इन द बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं एंडी हार्टवेल के बारे में, तो भाई करेंट टाइम एंडी हार्टवेल भाई पहुंच चुके हैं कनाडा के अंदर, आप लोग फोटो इनका देख सकते हैं। साथ ही साथ भाई करेंट टाइम कुछ और भी रेसलर वहां पर पहुंच चुके हैं, आप लोग सारे लोग यहां पर फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 के सबसे बेस्ट रेसलर के बारे में, तो भाई उसका पूरा लिस्ट निकलकर सामने आ चुका है। भाई करेंट टाइम सबसे नंबर वन पर आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर कोडी रोड्स है। बाकी रेसलर का नाम अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो भाई आप लोग पढ़ सकते हैं, ड्रू मैकइंटायर गुंथर बहुत सारे रेसलर है इस लिस्ट के अंदर। वैसे भाई मिलते हैं सीधे मनी इन द बैंक के अंदर। भाई मेरा सर दुख रहा है यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। 4:30 बजे से है मनी इन द बैंक।